जैसे देखिए यूपीएससी की तैयारी करने का एक फ्रिंज बेनिफिट ये होता है कि आपका चिंतन करने का तरीका बेहतर हो जाता है। कोई आपसे पूछेगा ये आदमी अच्छा है कि बुरा है, आप कहेंगे यार ऐसे नहीं बोलते। देखो हर आदमी में अच्छाई बुराई दोनों होती है। प्रेमचंद जी कह गए हैं कि जो चरित्र होता है केवल अच्छा या केवल बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है, अनुपात का अंतर होता है। सामने वाला तो उसी पृष्ठभूमि से है जहां से आप निकले थे। एक बार ज्यादा ज्ञान मत दे, अच्छा है कि बुरा है, ऐसे नहीं होता भाई। तुम्हारे चिंतन प्रक्रिया में ही खोट है। निष्कर्ष कैसे अच्छे निकलेंगे तुम्हारे? चिंतन प्रक्रिया के सूक्ष्म होते ही आपके निष्कर्ष स्ट्रेटिफाइड हो जाएंगे, श्रेणीकृत हो जाएंगे। आप कहेंगे कि इन मामलों में ये व्यक्ति अच्छा है, इस मामले में इससे थोड़ा बच के रहिए, बाकी मामलों में सामान्य व्यक्ति है। यही होना चाहिए, मूल्यांकन ऐसे ही होता है। ये क्या कि ब्लैंकेट की तरह कर दे, कंबल फेंक के अब शानदार आदमी है, पीता भी है तो ऐसे पीता का मजा आ जाता है, शानदार आदमी है। ये जो भक्ति वाला भाव है ना, चेलों पर ही शोभा देता है, समझदार व्यक्ति पे शोभा नहीं देता है। अपने सबसे प्रिय और अपने सबसे आदरणीय व्यक्ति की भी कमियों को देख पाना और अपने सबसे खतरनाक दुश्मन की भी तारीफ कर पाना, अगर आप ये कर पाते हैं, तारीफ इससे नहीं दुश्मन है, उसको कुछ तो अच्छा होगा, उसकी भी तारीफ और खुल के कर पाना, दबी जबान से नहीं, खुल के कि भाई तू दुश्मन है, बहुत घटिया आदमी है, लेकिन तेरे अंदर ये जो बात है ना, इसके लिए मैं तुम्हें सम्मान करता हूँ, सलाम करता हूँ, बहुत बढ़िया, ये जो बात है कमाल की बात है। हालांकि तुम नीच आदमी हो, लेकिन इस मामले में मानना पड़ेगा, इस मामले में मानना पड़ेगा। तो मूल्यांकन एक तरफा क्यों हो, है ना, खूंटा गाड़ के क्यों हो, थोड़ा स्ट्रेटिफाइड होना चाहिए।